इंसिडेंट है 25 तारीख को उरन की जो डिसीज लड़की है उसकी मिसिंग की कंप्लेंट उसके फादर द्वारा उरन पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुई। 27 की मॉर्निंग को उसकी जब डेड बॉडी मिली तब FIR 300/2024 उरन पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हुआ। BNS सेक्शन 103/1 जिसमें अभी एट्रोसिटी का सेक्शन ऐड हो चुका है। जब टेक्निकल एनालिसिस कुछ टीम बनाई गई इसमें हमारे पुलिस आयुक्त श्री आरम्भे सर के इंस्ट्रक्शंस के बाद पुलिस स्टेशन की और क्राइम ब्रांच की, और जो सस्पेक्ट है वो बेंगलोर का रहने वाला है ऐसा जब हमें पता चला तब बेंगलोर में बेंगलोर में और गुलबर्गा में कर्नाटक स्टेट में और महाराष्ट्र में लोकल एरिया में भी कुछ टीम डिप्लॉय हुई जिसके तहत टेक्निकल एनालिसिस और इन्फॉर्मेंट के बेसिस पे हमारे क्राइम ब्रांच के सेंट्रल रोड के PSI रेड्डी और उनकी टीम इन्होंने गुलबर्गा में से 29 को अर्ली मॉर्निंग इस एक्यूज जिसका नाम है दाऊद बसुद्दीन शेख रहने वाला बेंगलोर का है कर्नाटका का, इसको हमने वहां से हिरासत में लिया। आज उसे पनवेल के एट्रोसिटी कोर्ट में जब हाजिर किया गया उसे 7 तारीख तक की पुलिस कस्टडी इसमें दी गई है। एक्यूज के इंट्रोगेशन से समझ में आता है कि एक्यूज ये जान पहचान का था डिसीज के 2000 मतलब स्कूल में भी ये पढ़ने के लिए था, बाद में इसकी पढ़ाई छूट गई, लड़की ने आगे पढ़ाई शुरू की, फिर भी उसने उससे कॉन्टैक्ट बनाए रखने की कोशिश की जिसके तहत ये बीच बीच में उसे मिलने आता था। उसने जब लड़की मना करती थी तो वो उसके धमकियाँ देता था, इस टाइप की जानकारी भी सामने आ रही है कि तुम्हारे कुछ फोटोज है मैं इसे वायरल कर दूंगा। अभी जब लड़की उसे 25 तारीख को और 24 तारीख को पहले उसे मिली, फिर इसने 25 तारीख को बुलाया जिस दिन की घटना है, उस दिन वो जाने के लिए जब राजी नहीं थी तो ये समझ में आ रहा है कि उसने कुछ फोटोज भी अपलोड किए थे उसके फेसबुक पे जो बाद में लड़की मिलने जाने के बाद डिसीज मिलने जाने के बाद उसने डिलीट कर दिए। इसकी इच्छा थी कि ये इसके साथ बेंगलोर चले जिसके लिए लड़की राजी नहीं थी जाने के लिए। इनका कुछ झगड़ा जो स्पॉट है वहाँ पे हुआ और कुछ झगड़े के बाद इसने जो हत्या को अंजाम दिया गया है। इस तरीके का पूरी जो वारदात है आई है सामने और एक उसको अभी हिरासत में लेके आगे का इन्वेस्टिगेशन उरल पुलिस स्टेशन कर रही है। 24 तारीख को एक्विस्ट के बोलने के हिसाब से वो हाफ डे लेके उसे मिली है जूही नगर रेलवे स्टेशन के करीब करीब, और 25 तारीख को भी उसने उसे मिलने के लिए बुलाया। लड़की उस दिन जाने के लिए राजी नहीं थी तो बट इसने जो मैंने जिसे इससे पहले कहा है कि इसने धमकी दी कि मैं फोटो अपलोड कर दूंगा जो उसने फेसबुक पे अपलोड करके बाद में डिलीट किए हैं, तो इसके वजह से लड़की उसे मिलने भी गई जिसके बाद झगड़े में ये हत्या हुई है। बीच में वो लड़के का भी संपर्क उसके दोस्त से भी हुआ है ऐसा दिख रहा है हमें, और जो उसने बताया कि मैं उसे मिलने जा रही हूँ जो भी है, उसके दौरान भी उसने अपने फ्रेंड को भी कुछ फ़ोन किया था जिसमें मैं मुझे थोड़ा छोड़ा हुआ यहाँ से मैं अटकी हुई हूँ, इस तरह की कुछ बातें उनके बीच में हुई है। शादी की बात की, शादी के मना किया, वजह क्या है? वजह का अभी कुछ भी इसके बारे में मालूमात नहीं है क्योंकि इंट्रोगेशन जो है सिर्फ अभी एक्यूज का ही हो रहा है। इस सभी इंसिडेंट के बारे में सिर्फ एक्यूज का और डिसीज को दोनों को ही पता था। एक्यूज से जितनी मालूमात मिली इस हिसाब से वो चाहता था कि उसके साथ लड़की डिसीज जो उसके साथ बैंगलोर जाए जिसके लिए लड़की मना कर रही थी। नहीं अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि लव ट्रायंगल लेके क्या। टैटू के बारे में तो आपने जैसे कहा कि जो नाम का बोला है वो टैटू के बारे में हमें जानकारी है ऑलरेडी, वो इसमें आता ही है इंक्वेस्ट बेंच नामा में। सर ये जानना चाहेंगे कि आरोपी जब पकड़ में आया तो उसने कुछ ऐसी बातें बताई कि झगड़े की मेन क्या वजह थी और क्यों उसने चाकू से वार कर दिया, ऐसी कौन सी लड़की घटना उसे घटी थी? मिलना नहीं चाहती, जैसे 24 तारीख को मिली, 25 तारीख को सुबह से उसको बोल रहा था कि मुझे मिलने आ, लड़की जिसके लिए मना कर रही थी लड़की मिलने जा नहीं रही थी, फिर उसने फेसबुक पे फोटो अपलोड की फिर आई और उसको बार बार यही बोल रही थी कि तू तो फोटो को डिलीट कर, ये फोटो क्यों रखे है, जिसकी वजह से उनका झगड़ा हो गया और झगड़े में जब गुस्से में उसने उसको मारा है ऐसा उसका बोलना है। सर क्या फोटो था जो अपलोड किया कि लड़की अपने नहीं, फोटो को अबे वो वायरल देखने कर को रही नहीं, है? अबे उसका रिट्रीव डेटा रिट्रीव करने का काम चालू क्योंकि उसने डिलीट कर दिया फोटो सर बाद जो में। वेपन यूज किया गया है वो वेपन अभी तक तो बरामद हुआ है क्या? क्योंकि जिस तरह से उसकी जो बॉडी का जो फेस है उसको पूरी तरह से स्मैश कर दिया था, कहीं पॉसिबिलिटी है कि उसने स्मैश किया होगा फेस? नहीं अभी जो वेपन बरामद होता है जनरली जो यूज होता है उसे एविडेंस एक्ट के तहत बरामद किया जाता है। अभी डॉक्यूमेंट्री उसका क्या चल रहा है फिलहाल अभी मैं ये यहाँ बैठ के नहीं बोल सकता हूँ, पुलिस स्टेशन का इन्वेस्टिगेशन चालू है, नेचुरली पुलिस कस्टडी उसे आज ही मिली है। ऐसा कुछ भी अभी तक सामने आया नहीं है। मोहसिन दाऊद का दोस्त था जिसके मोबाइल से उसने इससे पहले डिसीज से कॉन्टेक्ट किया है, जिसकी वजह से जब भी इनमें झगड़े होते थे एक दूसरे को ब्लॉक अनब्लॉक करते थे उस दौरान मोहसिन के थ्रू भी बात होती थी, बट इसमें मोशन का ट्रायंगल है या और कुछ चीजें ये अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामने आई हुई नहीं है। शादी से इनकार करने की ऐसा वजह ऐसा क्या थी? नहीं धर्म अलग था, जाति धर्म अलग था, ये एक वजह थी या फिर वो उसके काबिल नहीं था, कोई तो रीजन होगा? दाऊद ने इनिशियल लेवल पर ये चीज को बताई होगी मर्डर के ऊपर।
उसने सिर्फ इतना ही बताया कि वो, मैं उसे बोल रहा था मेरे साथ बेंगलोर चलो, और जिसके लिए वो राजी नहीं थी, दैट्स इट, इतने उसने भी लोग बताया। 2019 में दाऊद को गिरफ्तार किया था और रिलीज हुआ, उसके बाद वो चला गया। सीक्वेंस वगैरह बता दें कि गिरफ्तार होने के बाद वो क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। ऐसा है कि जब वो बेल पे रिहा हुआ, उसके बाद उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ ऐसा उसका बोलना है, जिसमें उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, उसके सर को लग गया, और वो एकदम बेड रिडन था। फिर उसका कम्युनिकेशन भी उसके साथ था नहीं बीच में, बट जब उसे थोड़ा होश आया, उसने फिर से अपना मोबाइल उसे मिला, और उसका जो दोस्त है उसके माध्यम से उसका संपर्क हुआ, और उसके बाद फिर से उसने बात करने की कोशिश उस लड़की से की है, जिसके तहत वो बीच में एक दो बार मिलने यहाँ पे आया है ऐसे उसने बोला है, जिसकी पुष्टि अभी तक हमने की नहीं है। और मिलने आने के बाद फिर से जब इंसिडेंट हुआ उस दिन, वो 23 तारीख को उसका बोलना है कि वो उसको 23 तारीख को आया, 24 को भी मिला, और 25 को हत्या को अंजाम दिया गया। अब कितना फ्रिक्वेंटली था ये तो नहीं बोल सकता, बट हाँ उसके हिसाब से जो उसने बोला है वो आया था, मिला था, बट जिसका वेरिफिकेशन हम लोग हमारे तरीके से भी कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही है कि वो इंटेंशन से ही आया था, हत्या का ही उसका मोटिव था, ये उसका प्लानिंग का ही पार्ट था, जिसके तहत ऑलरेडी उसने वेपन साथ में कैरी किया था, तो ये सोची समझी हुई उसकी साजिश है जो उसने इसको हत्या में अंजाम दिया गया है, और वेपन उसने साथ में कैरी करने के बाद ही उसका उसी वेपन से उसने उसे मारा हुआ है। अभी तो हमें एक ही वेपन उसने लाया था ऐसे उसे समझाया, बरामद करने का आगे पता चलेगा और क्या था। उसी स्पॉट पे वो गए, वही उनकी बातें हुई, और वही पे गुस्से में उसने घटना हुआ अंजाम दिया। आता सध्या आम्ही त्याला तिथून पकड, म्हणजे त्याच्याकडाकडे राहायला जाऊ न सांगता, तिथून तो इकडे जा तिकडे जा असं करत तो फायनली ज्या डेस्टिनेशनला गेला तिथून आम्ही त्याला लोकेट केलेला आहे। 24 तारखेला कुठे भेटले? 24 तारखेला हे त्याच्या म्हणण्यानुसार जुईनगर रेल्वे स्टेशनला भेटले।